रुड़की में वसीम उर्फ मोनू की मौत के मामले पर झूठी खबरें पोस्ट करने वालों को पुलिस ने खुली चेतावनी दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मोनू की मौत पानी से डूबने से हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही है कि उसकी गोली मारकर हत्या की गई है। रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में तालाब में डूबने से एक युवक की मौत के मामले में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इस मामले को लेकर एसपी स्वपन किशोर सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार मोनू की मौत पानी में डूबने से हुई है और जिस तरह की सोशल मीडिया पर अफवाह फैल रही थी कि उसकी गोली मारकर हत्या की गई है, यह जानकारी पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि जो भी इस तरह की गलत जानकारी फैलाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। माधोपुर गांव में एक युवक के तालाब में कूदने से मृत्यु होने की बात हुई थी और इस संबंध में डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतीक्षा थी, रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें युवक की मृत्यु का कारण पानी में डूबने से होना बताया गया है। ये कहा जा रहा था कि गोली लगी है, दांत टूटे हैं, पैर बंधे हुए थे। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ना तो गोली लगने के बारे में कोई बात आई, ना ही दांत टूटे होने की कोई बात पाई गई और ना ही उसके पैर बंधे हुए थे, क्योंकि वहां पर तमाम सभी लोग थे, उपस्थित थे। जब शव निकाला गया था तो पैर बंधे होने नहीं पाए गए। तो इस तरह की भ्रामक टिप्पणियों से लोग बचें। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।